प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स की पुस्तक पर कार्य करते हैं। कक्षा 8वीं की वह संस्कृत विषय की ब्रिज कोर्स की पुस्तक है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं संधि परिचय। तो एक बार हम इसे अवश्य रीड कर लें। अस्मिन् पर्वते दुर्मुख नामः मोजस्वी सिंह वसति स्म, सः च सदैव बहुना पशूना वधः करोति स्म। एकदा सर्वे पशव सिंहस्य समीपः अगच्छनम् अवदतनम् च मृगेन्द्र त्रव सदैव पशूना वध कथ करोषि प्रसीद। वयं स्वयं तव भोजनां प्रतिदिनम् एकः पुरुष पशु प्रेषयिष्यामः। तत्व सिंह अवदत यति यूम एवं इच्छत तहि तथा कुर्वन्तु। तत्व प्रभति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमणेन सिंहस्त समीपः गच्छति स्म। एकदा एकस्य सशकस्य वारः समायात सूर्योदय समयः सिंहस्य समीपे गच्छनं सः अचिन्त्यत। मम मरणं रणनं तु निश्चितम् एयम्, अतः मद गतेव गच्छामि। अन्तरं स्वजीवनं रक्षा मे उपायो चिन्तयित्वा सा सिंहस्थ समीपः अगच्छत्। तत्र सिंह तु क्षुधया पीडितः आसीत्, अतिक्रुद्धः सा सस्कम अपच्छतं। त्वं विलम्बेन कतः अगच्छत्वान् अगतवान् सस्क सविनयम् अवदतं राजनं न मम दोषं। मार्गे अपर सिंह आसीत्, सः मम अपश्यत अवदत च अव्यम् अस्य वनस्य राजा अहं त्वं भक्षिष्यामि। अहं तम् अवदतम् अस्य वनस्य राजा दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, सा अधेव मा भक्ष्यसि ति। अहम् अधुना तस्मै भोजनां गच्छामि। अहं तु केनापि प्रकरेण ता वज्जयित्वा भवतः समीपम् आगत। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अतिक्रुद्धः अभवत्। आगे देखते हैं। क्रोधे दत्व दुर्मुख अवदत हे षष्ठ कुत्र अस्ति। सः अपर सिंह ता सत्वरः मा दर्शयम्। सस्कं सिंह एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम् अन्यत् अकथ्य च स्वामिनं पश्यतु, अस्मिन् कूपे एवं सः सिंह अस्ति। दुर्मुख तस्य कपूसस्य जलः स्वप्रतिबिम्बः पश्यत्, सः स्वप्रतिबिम्बम् एवम् अपर सिंह मत्वा गर्जति। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, तत् कूपे अपर सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूदति, मृत्यु च प्राप्नोति। बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे शिक्षक द्वारा दिए गए गद्यांश से उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करें और छात्रों से भी अनुवाचन करवाएं। गद्यांश में आए हुए संधियुक्त शब्दों को चिन्हित करें। संधियुक्त शब्दों का संधि विच्छेद प्रदर्शित करें। देखते हैं बच्चों, हम जैसे उदाहरण सहित दिया गया है रमेश, तो इसका हो जाएगा रमा धन ईश बराबर गुण स्वर संधि। अखिलेश अखिल धन ईश बराबर गुण स्वर संधि। हितेश हित धन ईश बराबर गुण स्वर संधि। बलापेक्षा तो बल धन अपेक्षा दीर्घ स्वर संधि। सदैव तो सदा धन एव बराबर गुण स्वर संधि, सॉरी वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। महाओजस्वी तो महाधन ओजस्वी वृद्धि स्वर संधि। बुद्धेव बुद्ध्यधन एव वृद्धि स्वर संधि। और कोऽस्पि कोधन अपि पूर्व स्वर पूर्व रूप संधि हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य संधियुक्त पदों को लेकर उनकी पहचान और अभ्यास करवाएं। अब बच्चों, यहाँ पे संधि की परिभाषा दी गई है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय बराबर देवालय, जगत धन ईश बराबर जगदीश। अब हम देखेंगे स्वर संधि, जहाँ स्वर्ण वर्ण के रूप साथ स्वर्ण स्वर वर्ण का मेल होता है, जहाँ स्वर के साथ स्वर्ण का वर्ण मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ए हो जाएगा, और इसर सूरधर इंद्र तो सुरेंद्र तो गुण संधि। आ धन ए
बराबर ए, तो सदा धन ए बराबर हो जाएगा सदैव वृद्धि संधि। ई य प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, उ बराबर व और सुधन आगतम बराबर स्वागतम, यर्ष संधि हो जाएगा। री धन र बराबर मात्र धन अंश बराबर मात्रंश, केन धन अपि बराबर केनपि दीर्घ संधि हो जाएगा, और पोधन अक बराबर पावक, तो ये हो जाएगा आयादि संधि। अब कह रहा है व्यंजन संधि, जहाँ व्यंजन के साथ अगर कोई स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे त धन ज बराबर ज, और ये हो जाएगा सत्य जन जन बराबर सज्जन, सत धन च बराबर सच, और कस धन चित्त बराबर कश्चित, त धन ई बराबर हो जाएगा दी, और जगत धन ई बराबर जगदीश, सुधन अ बराबर व, और सुप धन अंत बराबर सुबंत। अब हम बच्चों इसकी वर्कशीट बेकार करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वर्णानाम मिलेननम यत्र परिवर्तनम भवति, महाधन उदय बराबर महोदय, और बलेन धन एव बराबर बलेन बलेन हो जाएगा इसका, और केन धन अपि बराबर केन अपि। इसी प्रकार संधि विच्छेद कत्वा संदेह नाम लिखे तो प्रत्येक इसका हो जाएगा प्रति धन एक बराबर ऋण संधि, सुधन आगतम बराबर ऋण संधि, गौ धन एक बराबर गायक आयादि संधि, पोधन अन बराबर पवन पवन आयादि संधि, वन धन अपि बराबर वनोपि वने अपि, तो पूर्ण रूप संधि, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र गुण संधि, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय गुण संधि, अध धन एव बराबर अधेव व्यंधि संधि, नर धन उत्तम बराबर गुण संधि, और यथा धन उत्तम बराबर हो जाएगा यथोक्तम, तो ये हो जाएगा गुण संधि। अब देखते हैं बच्चों संधि कत्वा संधे नाम लिखा, तो जगत धन ईश तो जगदीश व्यंजन संधि, सत धन जन बराबर सज्जन व्यंजन संधि, दिक धन गज बराबर व्यंजन संधि, अच्छ धन अंत बराबर अजंत व्यंजन संधि, बुद्ध धन दीपी बराबर बुद्धि, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। इसी प्रकार अब हमें मेल करना है, सही जोड़ी मिलाना है, तो रविंद्र का हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, महा औषधि का हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, नायक का हो जाएगा नायिका का हो जाएगा आयादि संधि, महोत्सव का हो जाएगा गुण स्वर संधि, और भारत अश्विन का हो जाएगा पूर्ण रूप संधि, और यद्यपि का हो जाएगा यण स्वर संधि। तो आशा है आपने इसे अवश्य लिख लिया होगा। वीडियो अगर स्पीड में लग रही तो वीडियो को रोक सकते हैं। आपको अन्य विषयों को भी अगर सॉल्यूशन वीडियो की आवश्यकता होगी ब्रिज कोर्स संबंधी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक समस्त पाठों का हल ब्रिज कोर्स संबंधी दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या आप मेरे MK एजुकेशन चैनल को भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, आप इसे अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ लें, इसके आधार पे हम वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं गद्यांश में आए हुए संधि शब्दों को चुनकर लिखिए, तो आप वहाँ से चुन के लिख सकते हैं, और संधि युक्त शब्दों को स्वर संधि और व्यंजन संधि में व्यक्त भी करना है। अब देखते हैं हम लिखित शब्दों के संधि विक्षित कीजिए। यत भविष्य, तो इसका हो जाएगा यत भविष्य परस्परम, और ये हो जाएगा अवदन, तो ये हो जाएगा परस्पर वदनम, और ये हो जाएगा अस्यम एव, और ये हो जाएगा इसका संधि विक्षित एतत धन चिंता मित्वा बराबर एत चिंता इत्वा, और एतत ज्ञातवा, तो ये हो जाएगा एत ज्ञातवा। इस प्रकार हमने इसका संधि विक्षित भी कर दिया है। अगले पेज पे कार्य करते हैं, निम्नलिखित शब्दों की संधि विक्षित कीजिए, संधि कीजिए, संधि विक्षित कर दिया गया है, संधि संधि का नाम बताना है, संधि करना है आपको, इनको जोड़ना है, तो इसका हो जाएगा भगवत सकत्या मरणमेव, इसका हो जाएगा सम्यानु गुरुणम, इसका हो जाएगा अन्यत जलाशयम, और इसका हो जाएगा भाग्यानु स्वरम। निम्नलिखित शब्दों के संधि नाम लिखिए, तो इस सच रित्रम का हो जाएगा व्यंजन संधि, जलाशयम का व्यंजन संधि, समयानुसारम का हो जाएगा दीर्घ संधि, सुखेच्छुआ का हो जाएगा गुण संधि, और तचोकतम का हो जाएगा वैद्य संधि। इस प्रकार आज हमने यहाँ पे संधि का अध्ययन किया। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।
और लाइक भी कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं इसके आगे के पाठों में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।